What's up guys, कैसे आप सब लोग? Welcome back to another gameplay video. So guys, सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगा मेरे सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में. एंड गाइस, इस वाले एपिसोड हमारे फर्स्ट एपिसोड से भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वाले एपिसोड में हमारे गोल्स भी ज़्यादा क्योंकि बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हमारे गोल्स हैं गाइस आज के कि सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत लैंड क्लियर करेंगे इधर की, क्योंकि घर वगैरह भी तो बनाना है ना बॉयज एंड गर्ल्स. सो सबसे पहले थोड़ी बहुत लैंड क्लियर करेंगे, फिर एंड थोड़ी बहुत हम लोग एक माइनिंग एरिया भी बनाएंगे ताकि हम लोग डायमंड की खोज के लिए जा सकें. तो सबसे पहला काम है वो इस हमारा कि हम लोग यहाँ पर फटाफट से थोड़ा बहुत एरिया वगैरह क्लीन कर दें. सो मैं गाइस फटाफट से एरिया वगैरह क्लीन करता हूँ. ओके सो तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़े बहुत रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि खाना पीना वगैरह कलेक्ट करना ज़रूरी है ना कुछ काम करने से पहले. तो यहाँ पे मेरे को एक डॉग मिला, इनपे 2 बोन है, देखते हैं गाइस ये काम करता है नहीं. 1, 2, 3 गो, लेट्स गो गाइस, हमारा प्यारा डॉगू, लेट्स गो. ये ले ले खाना खा, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस. अब हम लोग इस सफर में अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा प्यारा डॉगी भी आ चुका है. लेट्स गो गाइस, तुम लोग इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ओके, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा एक दोस्त भी आ चुका है, लेट्स गो. अब मैं सर्वाइवल सीरीज में अकेला नहीं हूँ और अब ये मेरे साथ ही रहेगा. ओके सो डॉगू इधर आ, तो इसको मार 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 डॉगू, गुड बॉय. ले 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 खाना का. अरे भूख, पेट भरा हुआ है इसका, तब भी खा लिया उसने, एडजस्ट कर लिया थोड़ा. फाइनली पूरे 1 घंटे के बाद गाइस फाइनली हमारा जो एरिया है वो एकदम पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है. तुम लोगों को एक बार अच्छी तरीके से मैं दिखा देता हूँ. देखो कुछ इस टाइप से हमने क्लियर करा है. यहाँ पर हमारी गाइस पहले लैंड थी एंड हमने वहाँ पर भी इसको हटा दिया पूरा. एंड वहाँ पर गाइस तुम लोग देखोगे तो वहाँ पर पहले एक केव थी, तुमको अगर याद होगा तो. भाई मैंने उसको ऊपर से भी फिल कर दिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको ऊपर से भी फिल कर दिया. एंड ये तुम लोग देख सकते हो आधी यहाँ पर खुली पड़ी हुई है केव, एंड यहाँ से मैंने इसको ऊपर से फिल कर दिया. तो बॉयज तो अब टाइम है गाइस हम लोगों का एक बढ़िया सा एक डायमंड का आर्मर बनाने का एंड थोड़ी बहुत माइनिंग करने का, क्योंकि देखो डायमंड का आर्मर तो बनने नहीं वाला है. तो एटलीस्ट माइनिंग एरिया बनाते हैं फटाफट से हमारे एपिसोड नंबर 2 में, एकदम फटाफट से एकदम माइनिंग एरिया वगैरह बनाते हैं. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज एंड गर्ल्स. यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ऊपर के साइड पर कहीं बनाऊँ माइनिंग एरिया, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो एकदम सबसे अलग रहेगा तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई मेरे लिए. तो ओके, तो मैं यहाँ पे बनाने की सोच रहा हूँ. यहाँ पे एक जगह भी थोड़ी सी खुली खुली सी है. एंड तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना माइनिंग एरिया का काम. तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ गाइस, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, मैं डायरेक्टली सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनाने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे के लिए गड्ढा खोदने वाला हूँ. तो गाइस सीढ़ियाँ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो सीढ़ियाँ के लिए भाई सबसे पहले मुझे थोड़ी बहुत वुड चाहिए होगी. तो यहाँ पर हमारा जंगल तो है, यहाँ से फटाफट से वुड वगैरह माइन करके लाते हैं. एंड आसपास कोई भी जानवर वूनर दिख लेगा तो उसको मार के अपना खाना कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास खाने की भी थोड़ी बहुत कमी है. सो फटाफट से गाइस मैं वुड वगैरह एंड इन लोगों को मार के मिलता हूँ. तो गाइस मैंने यहाँ पर, तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री में मैंने बहुत सारी लैडर्स यहाँ पे कलेक्ट करके रखी हुई है. तो बहुत ही ज़्यादा मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है. एंड यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत खाना पीना भी यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा है, मैं यहाँ से अपना थोड़ा बहुत खाना लेता हूँ, एटलीस्ट मेरी हेल्थ फुल हो जाए. इतना खाना पीना तो भाई हमारा होना ही चाहिए. सो गाइस मैं फटाफट से यहाँ पर खाना भी लेता हूँ, खाना खाता हूँ एंड अपनी फटाफट से वो केव वाली लोकेशन पर चलते हैं एंड नीचे डिग डाउन वगैरह करते हैं, क्योंकि हमें माइनिंग एरिया बनाना है, डायमंड्स वगैरह ढूंढने भाई. लेट्स गो. ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर मेरे पास एक आयरन रही है भाई साहब. गाइस लेट्स गो, एक बार आसपास देखते हैं कितने डायमंड्स और हैं. लेट्स गो गाइस, हमारे सर्वाइवल सीरीज के पहले डायमंड्स, लेट्स गो. ये भले ये 2 हैं बट काम चल जाएगा भाई मेरा. वैसे ऊपर तक एक सीढ़ियाँ लगाना स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स गो.
ओपी इन द चैट बॉयज। भाई कितनी रफ्तार से भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई। फटाफट से गाइस यहाँ पे एक हम लोग एक आयरन की पिकेक्स बनाते हैं, अपने डायमंड्स माइन करते हैं एंड नीचे गाइस एक एरिया बनाएंगे, छोटू सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि माइनिंग हमें करनी कितनी ज़्यादा भी नहीं है। लेट्स गो। यहाँ पर हमारा एक एंड यहाँ आसपास भी गाइस होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर एक है तो आसपास भी होना चाहिए। यहाँ पर भी ओ यहाँ पे तीन है बॉयज। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। शीश भाई शीश हो गया भाई शीश। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कम से कम तीन डायमंड मिल गए, हम लोग इसकी आराम से पिकेक्स बना सकते हैं। बट सबसे पहले भाई थोड़ा बट मैं छः करना चाहता हूँ ताकि अगर मेरे पे नहीं भी रहे तो भाई मैं एक पिकेक्स अपनी बना लूँ। तो सबसे पहले इस एरिया को बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर डायमंड माइनिंग का बहुत कम मिलता है। ओके तो गाइस इस -56 पर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ तक गाइस मैंने सुना है। -56 पे मिलते हैं गाइस, इसको थोड़ा बंद करते करते चलते हैं। हाँ तो गाइस इस वाली जगह पे मिलते हैं हम लोगों को सबसे ज़्यादा डायमंड्स। तो गाइस मैं ऊपर होकर आ गया हूँ क्योंकि भाई मुझे थोड़ी बहुत वुड चाहिए थी क्योंकि हम लोग माइनिंग करने वाले हैं ना बॉयज इन गर्ल्स, तो हमें थोड़ी बहुत वुड वगैरह चाहिए रहती है माइनिंग जब हम लोग करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं एंड एक यहाँ पर लगाते हैं एंड बॉयज हमारी माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं ना एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर ना ऐसे करके एक रास्ता बनाऊँगा ताकि मेरे हर डायरेक्शन में एक एक टनल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना लिया, यहाँ पे एक बना लिया एंड यहाँ पर एक बना दिया, तो ये हर डायरेक्शन में देखे तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस एंड गर्ल्स। तो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा 4 घंटे कम से कम केव्स के अंदर भटकने के बाद एंड बहुत बार मरने के बाद गाइस फाइनली गाइस मेरे पे कुछ इतना सामान आ चुका है एंड जो डायमंड्स हैं वो गाइस मैंने चेस्ट के अंदर रख दिए क्योंकि सेफ रहनी चाहिए। अभी 10 डायमंड मिले हैं मेरे को एंड नीचे थोड़े बहुत और पड़े हुए हैं, तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम लोगों का आगे का प्लान है बॉयज़ मेरा कि मैं वार्डन की एरिया पे जाऊंगा क्योंकि गाइस मेरे को बहुत एक्सप्लोर करा बट मेरे को डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं। सो गाइस ये कि आखिरी मौका रहता है कि भाई वार्डन के पास जाओ एंड उससे आयरन्स लेकर आओ भाई, बहुत सारे डायमंड्स वगैरह क्योंकि भाई वहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से, मेरे को भी पता है एंड तुम लोगों को भी पता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक चेस्ट बनाते हैं यहाँ। ओके तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने एक चेस्ट भी बना ली है, यहाँ पर फटाफट से अपना यहाँ पर जितना ये वाला जो सामान है ये सारा रख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। ओके तो गाइस नीचे 19 डायमंड्स पड़े हैं, मतलब कुछ कुल मिलाकर बॉयज हमारे पास 19 डायमंड्स हैं एंड यहाँ पे 9 डायमंड्स पड़े हुए हैं, तो ठीक है इतने काफ़ी हैं। ओके है एंड गाइस तो मैं यहाँ पे माइन कर रहा था ना तो कुछ इस डायरेक्शन में वार्डन का है एंड यहाँ पे गलती से मेरे से वार्डन भी स्पॉन हो गया था। एंड बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग को पूरा का पूरा यहाँ पे सर तक रहना पड़ेगा भाई, वार्डन है वो कम मत समझना भाई, कच्चा खा जाएगा वो। तो गाइस मैं पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका हूँ वार्डन के पास जाने के लिए, बस भगवान से यही दुआ करना अपने मन में कि मैं मर के ना आऊँ। ओके तो गाइस फटाफट से चलते हैं, बस ये रही वो जगह वार्डन की एंड भाई भगवान से प्रे करना कि मैं जिंदा वापस आऊँ। तो तुम लोग आवाज़ सुन सकते हो, ओ माई गॉड, हल्की सी आवाज़ करता हूँ, माय गॉड गाइस मेरी तो अभी से फट रही है।
तो गाइस मैं आराम आराम से जाऊंगा। ओके ओके फिर फट के हाथ गाइस तुमने ऊपर आवाज सुनी OMG चिट माई गॉड गाइस ओ माई गॉड गाइस ये वार्डन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे इससे पंगे अभी नहीं लेने चाहिए भाई। भाई उसने मुझे 3 हिट मारे भाई, मैं 3 हिट में मर गया बॉयस। तुम लोग समझ रहे हो? ओ माई गॉड गाइस एट लीस्ट भाई मैंने अपना सामान लेकर आ चुका हूँ भाई। मेरे को तो मेरे सामान का डर लग रहा था। अब मैं इसे पहन लेता हूँ भाई। मेरे हार्ट्स भी कप का रहे हैं भाई एकदम मेरी तरह ही। ओ माई गॉड खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ फटाफट फटाफट खाना खाओ। को ई दबा के शील्ड को भी रख देते हैं। क्यों 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 ओ माय गॉड गाइस मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। सो गाइस इसी डर के साथ तो ओके तो गाइस इस वाले एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही एंड मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड्स के साथ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पार्ट 3 में। तो बाय बाय।